मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सऊदी अरब में तेल की बात तो अक्सर होती है, लेकिन पानी की बात अब ज्यादा जरूरी हो गई है। रेगिस्तान में बसे सऊदी अरब में नदी या झरना नहीं है। आखिर सऊदी अरब कहां से लाता है पानी? आइए देखते हैं हमारे इस वीडियो में सऊदी अरब के लोग रेगिस्तान में पानी कहां से लाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आज के इस एपिसोड में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सितंबर 2011 में सऊदी में माइनिंग से जुड़े एक फर्म के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद हानी ने कहा था कि यहाँ सोना है पर पानी नहीं है, और सोने की तरह पानी भी बहुत महंगा है। सऊदी तेल बेचकर बेशुमार कमाई कर रहा है, लेकिन इस कमाई का बड़ा हिस्सा समंदर के पानी को पीने लायक बनाने में लगाना पड़ रहा है। यहाँ ना नदी है ना झील, कुएं भी हैं तो तेल के ना कि पानी के। पानी के कुएं अब सूख गए हैं। 2011 में ही सऊदी के तत्कालीन पानी और बिजली मंत्री ने कहा था कि सऊदी में पानी की मांग हर साल 7% की दर से बढ़ रही है और अगले दशक में इसके लिए $133 अरब की निवेश की ज़रूरत पड़ेगी। तो आखिर पानी की खपत कितनी है वहाँ पर? सऊदी ने 2015 में ही पानी के व्यावसायिक इस्तेमाल पर टैक्स बढ़ा दिया था। सऊदी पानी पर टैक्स इसलिए बढ़ा रहा है ताकि उसका बेहिसाब इस्तेमाल रोका जा सके। कई रिसर्चों का कहना है कि सऊदी अरब का ग्राउंड वाटर अगले 11 सालों में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सऊदी अरब के अरबी अखबार अल वतन की रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी देशों में प्रति व्यक्ति पानी की खपत दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। सऊदी अरब में प्रति व्यक्ति पानी की खपत हर दिन 265 लीटर है, जो कि यूरोपियन यूनियन के देशों से दोगुनी है। तो सऊदी अरब में आखिर बारिश कितनी होती है? तलमीज अहमद सऊदी अरब में भारत के 4 साल राजदूत रहे हैं। वो कहते हैं कि सऊदी में हर साल दिसंबर जनवरी में तूफान के साथ बारिश आती है, लेकिन 1 या 2 दिन ही होती है। मतलब साल में 1 या 2 दिन बारिश होती है, हालांकि ये विंटर स्टॉर्म की शक्ल में आती है और इसे ग्राउंड वाटर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तलमीज कहते हैं कि बारिश कोई खुशहाली नहीं बल्कि बर्बादी लेकर आती है। वो कहते हैं कि जॉर्डन और सीरिया में बारिश होती है तो सऊदी के लोग काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि वहाँ की बारिश पानी से सऊदी के ग्राउंड वाटर पर फर्क पड़ता है। तो सऊदी आखिर पानी कितना खर्च करता है? सऊदी में मीठे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। सबसे पहले सऊदी में भूमिगत जल का इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। सऊदी नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में पानी बहुत कीमती है। पानी की कमी के कारण सऊदी ने गेहूं की खेती शुरू की थी, उसे बंद करनी पड़ी। सऊदी को अपने भविष्य को लेकर डर सताता है। 2010 में विकीलीक्स ने अमेरिका के एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट में सामने लाया था, जिसमें बताया था कि किंग अब्दुल्ला ने सऊदी की फूड कंपनियों से विदेशों में ज़मीन खरीदने के लिए कहा है ताकि वहां से पानी मिल सके। विकीलीक्स के केबल के अनुसार सऊदी पानी और खाद्य सुरक्षा को लेकर इस तरह से सोच रहा है ताकि राजनीति अस्थिरता से बचा जा सके। वर्ल्ड बैंक के अनुसार सऊदी अभी भी अपनी जीडीपी का 2% पानी के सब्सिडी पर खर्च करता है। इसी रिपोर्ट का कहना है कि 2050 तक मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के देशों को अपनी जीडीपी का 6 से 14% तक पानी पर खर्च करना होगा। तो अब जानते हैं पानी खत्म होने के बाद इसका विकल्प क्या है। समंदर से पानी को अलग करने का एक विकल्प है। इस प्रक्रिया को डिसैलिनेशन यानी विलवणीकरण कहा जाता है। दुनिया भर में यह तरीका लोकप्रिय हो रहा है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के देशों में डिसैलिनेशन की प्रक्रिया की क्षमता पूरी दुनिया की आधी है। पूरी दुनिया भर के 150 देशों में समंदर के पानी से नमक अलग कर इस्तेमाल किया जा रहा है। इंटरनेशनल डिसैलिनेशन एसोसिएशन IDA का अनुमान है कि दुनिया भर में 30 करोड़ लोग पानी की रोज़ की ज़रूरतें डिसैलिनेशन से पूरे कर रहे हैं। हालांकि यह प्रक्रिया कम जटिल नहीं है। ऊर्जा की निर्भरता भी इन इलाकों में डिसैलिनेशन पावर प्लांट है। इस प्रोसेस में बायोफ्यूल का इस्तेमाल होता है। साइंटिस्ट का कहना है कि इस प्रोसेस में समुद्री परिस्थिति को नुकसान पहुँच रहा है। IDA के महासचिव सेनोन मैकार्थी का कहना है कि खाड़ी के देशों में डिसैलिनेशन प्रोसेस से पानी घर घर पहुंचाया जा रहा है।
मैकार्थी के अनुसार कुछ देशों में पानी की निर्भरता डीसेलिनेशन पर 90% तक पहुंच गई है। खारे पानी को शुद्ध करने की तकनीक बहुत ही महंगी है। फिलहाल समुद्री पानी को खारेपन से मुक्त करने की तकनीक अपनाना बहुत ही महंगा साबित हो रहा है। मतलब इसकी लागत $1,000 पर एकड़ फुट आती है, जबकि साधारण तरीके से पानी सोर्स से जल को शुद्ध बनाने के प्रोसेस पर $200 पर एकड़ फुट का खर्च आता है। डीसेलिनेशन की तकनीक धीरे धीरे उन्नत हो रही है। अलग अलग देशों के साइंटिस्ट इसका सोल्यूशन ढूंढने और इससे कम लागत वाला बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। कीमतें कम होने भी लगी हैं। सऊदी अरब में पानी का अहम स्रोत अक्वीफर्स है। अक्वीफर्स में अंडरग्राउंड वाटर को इकट्ठा किया जाता है। 1970 में सरकार ने अक्वीफर्स पर काम शुरू किया था। इसका नतीजा ये हुआ कि देश में हजारों अक्वीफर्स बनाए गए। इन्हें शहरी और कृषि दोनों जरूरतों में इस्तेमाल किया जाता है। 3 मिलियन क्यूबिक मीटर पोर्टेबल पानी हर रोज मिलता है। देश में पानी का दूसरा अहम सोर्स समुद्र है। समुद्री पानी को पीने लायक बनाने की प्रक्रिया को डीसेलिनेशन कहते हैं। सऊदी अरब दुनिया में डीसेलिनेटेड वाटर का सबसे बड़ा स्रोत है। सेलीन वाटर कन्वर्जन कॉरपोरेशन SWCC 27 डीसेलिनेशन स्टेशन को ऑपरेट करता है। इससे 3 मिलियन क्यूबिक मीटर पोर्टेबल वाटर हर दिन निकलता है। ये प्लांट शहरों में इस्तेमाल होने वाले 70% जल को उपलब्ध कराते हैं, साथ ही इंडस्ट्रीज के इस्तेमाल लायक पानी भी उपलब्ध कराते हैं। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की ये भी एक अहम सोर्स है। 200 से भी ज़्यादा डैम्स करते हैं पानी को इकट्ठा। डीसेलिनेटेड वाटर के सबसे अधिक उपयोगकर्ता सऊदी अरब, कुवैत, UAE, कतर, बहरीन आदि हैं, जो कि डीसेलिनेटेड पानी का लगभग 70% हिस्सा उपयोग कर लेते हैं। जबकि नॉर्थ अफ्रीका में लीबिया और अल्जीरिया यह खपत पूरे विश्व के उत्पादन की 6% है। किसी जगह बाढ़ की सिचुएशन में डैम के पानी को इकट्ठा करने के काम आता है। 200 से भी ज़्यादा डैम 16 बिलियन क्यूबिक फीट पानी का संग्रहण सालाना करते हैं। जल संरक्षण के उपाय, जैसे कि मीडिया और शैक्षिक पर्चे के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। इसके अलावा रियाद में एक रिसाव नियंत्रण कार्यक्रम किया गया है और एक विशेष उच्च जल टैरिफ पेश किया गया है। इसके अलावा मुफ्त पानी के मशीन, नल, शावर हेड, टॉयलेट बॉक्स बांटे गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आवासीय जल उपयोग में 25% की कमी आई। एक अज्ञात लेकिन आबादी का बड़ा हिस्सा पानी के टैंकरों के माध्यम से आपूर्ति पर निर्भर है। उदाहरण के लिए रियाद पानी की कमी और आंतरायिक आपूर्ति का अनुभव कराता है, खासकर गर्मियों में सबसे ज्यादा मांग के दौरान। कमी से निपटने के लिए निजी ठेकेदारों द्वारा गर्मी के दौरान 18 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी बांटा गया था। अल हनोई में एक नए बड़े कुएं के क्षेत्र के चालू होने से यह समस्या कम हो गई है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो सऊदी में पानी के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, ताकि इतनी रोमांचक जानकारी इन तक पहुंचने से ना चूके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। फिर मिलेंगे एक नए रोमांचक एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।